इतनी मेहनत के बाद थक चुकी है सुम्बुल और फिर उसके बाद निमृत और शिव ने समझाया। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पर मैं निमृत की अच्छाई के बारे में तो आप लोगों को बताऊंगी, पर ये सब चीजें होने के बाद भाई क्या आप बोलने के लिए आ रहे हो? पहले नहीं बोल सकते हो, पहले नहीं सब लोगों को बोल सकते हो ये चीज। आपको पता है कि सुम्बुल ऐसी नहीं है, सुम्बुल जो है किसी को मना नहीं कर सकती है कि उसके मन में ऐसा होगा कि भाई दूसरे बंदे को बुरा ना लग जाए, वो भी स्पेशली खाने के टॉपिक को लेके। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पिछली वीडियो में कि सुम्बुल आलू के पराठे बना रही है और सुम्बुल जो है काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, काफी ज्यादा काम कर रही है और नमक के बनाने हैं, मिर्ची के बनाने हैं, बिना मिर्ची के बनाने हैं, बिना नमक के बनाने हैं, ऐसे वैसे परांठे बन रहे हैं और परांठों को परोस के अच्छा वो करके उनको प्लेट्स भी दे रही है। जिसके बाद सुम्बुल जो है काफी ज्यादा थक चुकी है और कैप्टन रूम में जाके जो है बेड पे लेटती है, वहां पर शिव भी होते हैं और वहां पर निमृत आती है और निमृत बोलती है कि तुम इतना ज्यादा काम करके इतना ज्यादा थक गई हो, अगर थक गई हो तो तुम हमें बताओ कि तुम इस वजह से थकी हो, हमसे बात करो। तो तुम वहां पर किचन में अगर काम कर रही हो, मैंने तुम्हें ड्यूटी दी है काम करने की और मैंने ये बात बोली कि उस किचन में कोई भी नहीं आएगा, तो ये चीज मैंने इसलिए बोली क्योंकि कोई नहीं आएगा, इसलिए नहीं है कि कोई आके अपना खाना नहीं ले सकता है, तुम्हें सिर्फ खाना बनाना है, किसी को परोस के प्लेट पकड़ाना या वहां जाके देके आना, ये सब चीजें नहीं करनी है। इतना थकावट वाला काम सुम्बुल मत करो। जहां पर सुम्बुल जो है चुपचाप सुनती है और हाँ हाँ मैं सर हिलाती है।